अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन सुपर क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से जूसी और टेस्टी प्रॉन्स की रेसिपी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, वीडियो पूरा देखिए। इसी के साथ चैनल कुक विद फेम भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी गोल्डन प्रॉन फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम प्रॉन्स यानि 200 ग्राम झींगे। ये कुछ 25 से 30 झींगे हैं। इन्हें अच्छे से क्लीन कर लें। इनका शेल निकालने के बाद ही इनका वजन 200 ग्राम है। अब हमें इसमें थोड़े से ड्राई मसाले डाल के मिक्स करना है। तो देख लेते हैं मसाले कौन से हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दें 1/4 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर डालिए 1 टीस्पून। ये ना हो तो ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून। इसमें डालिए 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर या मटन मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बस थोड़ा ही कर रही हूँ, आधा टीस्पून। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आधे नींबू का रस, थोड़ी सी अंडे की सफेदी 1 टेबलस्पून। अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। झींगों को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ऐसे एक आधे घंटे के लिए रख दें। आधा घंटा हो चुका है। नेक्स्ट हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये आपको रेडीमेड भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ब्रेड के स्लाइसेस हल्का सा सुखा के ग्राइंड कर लें। अब हमें इन पीसेस को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करना है। अच्छे से कोट कर लें तभी ये क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से। कोट करके एक प्लेट में रखते जाइए। देखिए तो अच्छे से कोट हो चुके हैं। इसे हम एक 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि कोटिंग अच्छे से फिक्स हो जाए। अब प्रॉन्स फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम कर लें। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। फ्लेम को लो पे रख के ही प्रॉन्स डालिए और तेल बहुत ज़्यादा गरम ना करें, वरना बाहर की कोटिंग जल जाएगी और ये झींगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन्हें बैचेस में फ्राई कर लें। अब धीरे से फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करिए। बस 2-3 या 4 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। धीरे से टर्न कर लें। बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से मसालों का टेस्ट। फ्राई करते वक्त थोड़ा सा करी पत्ता डाल दें और अच्छी खुशबू आ जाएगी। गोल्डन क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी, जूसी और क्रिस्पी बने हैं। क्रिस्पी है। अब दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये तेल छान लें, वरना ये जो कोटिंग निकली है ये काली हो जाएगी और प्रॉन्स को चिपक जाके प्रॉन्स भी हमारे थोड़े से काले हो जाएंगे। तेल गर्म हो चुका है। सेकेंड बैच भी डालते जाइए। एक मिनट के बाद धीरे से टर्न करिए। पहले फ्लेम को मीडियम पे रखना है 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हाई पे रखिए।
तो चलिए हमारा दूसरा बैच भी रेडी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में बताएं रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिंक को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।